Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Indian Penal Code Rule 29A, Electronic Record, Section 2. Cyberstalking means following the person with the intent to harass or annoy another person. When these acts are committed with the aid of computers and internet, it is termed as cyberstalking. Stalking can be on social media through SMS, phone calls, etc. It often also involves criminal intimidation, Section 503 ABC, and extortion. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख रही है, देखिए ये है एक मॉडेम जो कि डीलिंक ने बनाया। ये है डीलिंक का मॉडेम, इसका मॉडल नंबर है DWM A156। ठीक है, इसका मॉडल नंबर। और फिर दोस्तों देखिए इस मॉडेम में क्या दिक्कत हो रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो सिम स्लॉट है वो टूटा हुआ है, तो इसके वजह से दोस्तों सिम सपोर्ट नहीं ले रहा है। तो दोस्तों मैं अभी आपके सामने इसको रिपेयर करूंगा और फिर दोस्तों दिखाऊंगा कैसे रिपेयर किया जाता है। बहुत आसान तरीका है। और देखिए दोस्तों ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बहुत सारा मैं खरीद लिया अभी क्योंकि इसका प्राइस GST की वजह से बहुत बढ़ गया है। ये है दोस्तों सिम स्लॉट, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको लगाना होगा आपको वहां पे जहाँ पे सिम स्लॉट खराब हुआ है, वो पुराना वाला निकाल के आपको ये वाला चीज लगाना होगा। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। देखिए ये है सिम स्लॉट जो कि है ये SD कार्ड के साथ इनबिल्ट, मतलब यहाँ पे आप SD कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए सिम कनेक्टर है, तो मतलब यहाँ पे दोनों काम होता है। यहाँ पे देखिए सिम स्लॉट, यहाँ पे सिम स्लॉट तो है, यहाँ पे देखिए और SD कार्ड के लिए एक जगह है। तो दोस्तों ये देखिए एक मैं नया निकाल लिया अभी। और दोस्तों ये जो मॉडेम है इसको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। तब तक के लिए दोस्तों ब्लर को मैं चालू कर रहा हूँ। देखिए ब्लर को फिर चालू कर दिया क्योंकि इसमें ब्लर की मदद से इसको निकलना होगा जो खराब हुआ है, मतलब जो सिम ट्रे अभी यहाँ इसमें खराब है उसको निकालना होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे तीन स्क्रू होता है, एक दो या फिर तीन। यहाँ पे किसी किसी मॉडेम में दोस्तों दो स्क्रू होता है, लेकिन ऐसी टाइप का ही सिम स्लॉट वहाँ पे लगता है, मतलब सिम ट्रे एक ही होता है। और भी दोस्तों दूसरा कुछ मॉडेम है जिसमें सिर्फ सिम ट्रे लगता है उसके साथ, मतलब ये मॉडल का सिम ट्रे वहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें इसको ओपन करने के लिए मैं देखिए यहाँ पे कैसे कैसे ओपन कर रहा हूँ। देखिए और भी देखिए दोस्तों ये ओपन हो चुका है अभी। अभी इसको मैं निकालूंगा इसके अंदर से। ठीक है, ये है देखिए एंटेना को छोड़ दिया मैं। देखिए इसका जो बोर्ड है अभी इसको निकालूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों स्क्रूज को साइड में रखूंगा। और दोस्तों देखिए ये जो सिम ट्रे है इसको दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे तीन कनेक्शन होता है। देखिए यहाँ पे एक भी कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए दो कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक दो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ कनेक्टर वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब दोस्तों यहाँ का जो सिम स्लॉट का जो कनेक्टर था वो अभी टूट गया है। तो दोस्तों इसको निकालना होगा और फिर दोस्तों इसको नया वाला, मतलब ये वाला जो है उसको यहाँ पे डालना होगा। तो इसके लिए दोस्तों एक बड़ा सा आयरन की जरूरत है, मतलब ऐसा वाला। और भी दोस्तों और एक आयरन की जरूरत होता है कभी कभी, देखिए ऐसे वाला आयरन की जरूरत होता है। ठीक है, ये वाला आयरन जो है ये छोटा है, लेकिन ये बहुत बहुत काम आता है, इसका जरूरत है। तो दोस्तों अभी तो मैं ब्लर को हीट कर लिया, अभी मैं इसको आपके सामने निकालने जा रहा हूँ।
ठीक है, फिर मैं इसके ऊपर रखूंगा क्योंकि जो मेटल का प्लेट यहाँ पे था वो अभी नहीं है। तो दोस्तों ये बोर्ड को मैं ले लिया, अभी एक चाहिए मेरा ट्वीज़र। तो दोस्तों देखिए मैं थोड़ा बहुत पेस्ट यहाँ पे डालूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा हीट देने जा रहा हूँ मैं, तो इसीलिए दोस्तों इतना सारा मैं पेस्ट काफी है इसके लिए। तो दोस्तों इतना सारा पेस्ट मैं डाल दिया, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप निकाल रहे हो ऐसा सेम ट्रे, तो दोस्तों इसमें क्या होता है उसका जो उसके अंदर की जो पार्ट्स वगैरह जो हुए वो खराब हो सकता है, तो दोस्तों इसमें ध्यान देना चाहिए आपको। देखिए मैं हीट को पूरा का पूरा 450 के ऊपर दे दिया और एयर को भी थोड़ा बढ़ा दिया, आपको सुनाई दे रहा है दोस्तों एयर की आवाज। तो अभी ऐसे मैं इसको ऐसे करके उठाऊंगा, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा दोस्तों लेकिन हो जाएगा, जल्दी करने का कोई बात ही नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि जो ट्रिम पे स्क्रीन पे यहाँ पे होता है दोस्तों ये बहुत अलग तरीका का होता है। जैसे कि दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जहाँ पे मैं हीट डाल रहा हूँ देखिए इस साइड पे भी बहुत सारा कनेक्टर है, और जहाँ जिस साइड पे टीजर लगा हुआ है इस साइड पे भी बहुत सारा कनेक्टर है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है इसको निकालने में, क्योंकि ये जो सीम ट्रे इसमें लगा रहता है इसको पहले बांध होने दीजिएगा, इसका जो इसके अंदर का जो प्लास्टिक है इसको पहले दोस्तों बांध करने दीजिए, और फिर दोस्तों देखिए ऐसे करके बांध हो जाएगा, धुआं निकलेगा इसके अंदर से। लेकिन दोस्तों उसकी बाजू में मतलब आसपास में आपको हीट देना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है आसपास का जो चीज़ें होता है वो दोस्तों खराब हो जाता है। तो देखिए मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास अभी चिंता नहीं है लेकिन उसको ढूंढने का अभी मेरा समय भी नहीं मिला, इसलिए दोस्तों ऐसे करके निकाल रहा हूँ। अभी इसमें बहुत सारा हीट पैदा हो रहा है इसलिए दोस्तों मेरा हाथ में बहुत सारा दर्द हो रहा है। तो चलिए फिर कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे ही उठा लूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैं ट्वीज़र की मदद से और ब्लोअर की मदद से इसको उठा लिया। तो दोस्तों ये आप आयरन की मदद से नहीं कर सकते हो, आपके लिए ये काम करने के लिए दोस्तों एक ब्लोअर की जरूरत हमेशा होगा, और फिर दोस्तों ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं, और फिर दोस्तों नया वाला जो है उसको ब्लोअर की जरूरत नहीं लगाने के लिए, उसको सिर्फ आयरन की जरूरत होता है। तो दोस्तों अभी मैं आयरन को रख देता हूँ, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा गर्मी है इसलिए थोड़ी देर रुकना होगा, और उसके बाद जाके यहाँ का जो पिन है, जो पिन में थोड़ा बहुत मच्छर है उसको भी साफ करना पड़ेगा वो आयरन और थिनर की मदद से दोस्तों। तो इसमें काफी सारा हीट है, मैं इसमें हाथ भी नहीं लगा सकता, अभी बहुत सारा गर्म है, दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों इसमें देर होगा, तो मैं अभी पंखा चालू कर रहा हूँ, देखिए मैं पंखा चालू कर दिया, अभी इसको ठंड होने में थोड़ा देर लग जाएगा, उसके बाद मैं आपके साथ आके मिलता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो खराब वाला सिम ट्रे था उसको मैं निकाल लिया, अभी देखिए यहाँ पे काफी सारा दिखाई दे रहा है इसका जो ब्रांड हुआ है इसका प्लास्टिक का केस, ठीक है मेटल का ब्रांड नहीं होता है तो इसलिए प्लास्टिक का केस ब्रांड हुआ है। तो दोस्तों चलिए इसको फेंक दिया, अभी मैं नया लगाऊंगा यहाँ पे। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे एक कवर होता है, इसको मैं नहीं निकाले थे क्योंकि इसको मैं ओपन कर रहे थे, तो इसीलिए इसको नहीं निकाले थे क्योंकि उसकी वजह से इसके अंदर का जो पार्ट्स है इसके अंदर का तो वो दोस्तों टूट जाता है, मतलब कि वो निकल जाता है, तो इसलिए उसको नहीं निकाले थे। तो अभी मैं निकाल लिया, देखिए अभी क्यों निकाल लिया, क्योंकि इसमें सोल्डरिंग करना है मेरे को। तो दोस्तों चलिए अभी सोल्डरिंग कर लेते हैं, कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत सोल्डर डालना होगा आपको,
ऐसे करके यहाँ पे साफ करना होगा। ठीक है, देखिए इसको तो मैं अभी साफ कर लिया। अभी थोड़ा बहुत इसमें कॉटन डाल के और थीना डाल के इसको साफ करूंगा मैं। देखिए आप देख सकते हैं, मैं अभी कॉटन डाल के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मैं थीनर का डब्बा ले लिया और फिर दोस्तों यहाँ से मैं थोड़ा सा थीनर इस कॉटन कॉटन में लगा के और दोस्तों देखिए मैं इसको साफ करूंगा ऐसे करके। देखिए ये बिल्कुल साफ हो चुका है, दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऐसा करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि मॉइस्चर वगैरह अगर इसके अंदर रह जाता है तो दोस्तों उसमें दिक्कत होता है सोल्डरिंग करने में। तो अभी मैं इसको सोल्डरिंग करूंगा क्योंकि इसमें सोल्डर लगा हुआ नहीं है, तो इसलिए पहले सोल्डरिंग कर लेना चाहिए। थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लीजिए ऐसे करके। ठीक है, और फिर दोस्तों एक बार सोल्डरिंग करने के बाद वहां पे आप लगा सकते हैं। बहुत आसान होता है, देखिए इसमें मैं सबसे पहले बहुत ज्यादा सोल्डर डाल दिया इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत सोल्डर डालने में इसमें सोल्डरिंग नहीं होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से सोल्डरिंग हो चुका है और दोस्तों मैं आपके सामने कर रहा हूँ सभी काम। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया तो दोस्तों इसको जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कोई दिक्कत हो रहा है तो, और भी दोस्तों इसको दोस्तों के साथ आपके दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं अभी इसको यहाँ पे डालूंगा, देखिए यहाँ पे तो मैं डाल दिया, अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत सोल्डरिंग करना होगा। देखिए यहाँ पे डाल दिया, देखिए हर पिन जो स्लॉट है उसमें उस जगह पे बैठना चाहिए क्योंकि अगर नहीं बैठे तो उसमें दोस्तों सिम आपका सपोर्ट नहीं लेगा। तो दोस्तों एक खाली आयरन ले लिया मैं, इसमें कोई सोल्डर वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों इसको ऐसे करके यहाँ पे टच करने से दोस्तों देखिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है इसमें, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा सोल्डर यहाँ पे पड़ा है तो इसलिए दिक्कत हो रहा था। देखिए यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा बहुत पिन को सोल्डरिंग कर लिया लेकिन सभी हर एक पिन सोल्डरिंग अभी नहीं हुआ, इसलिए दोस्तों एक मिनी आयरन चाहिए आपको, ऐसा 12 वोल्ट का डीसी आयरन है ये। इसमें दोस्तों इसका जो ग्रीफ है बहुत ही अच्छा है और फिर दोस्तों और इसका जो पॉइंट है वो बहुत काफी छोटा है इसलिए दोस्तों इसमें बहुत ही आसानी से हो जाता है सोल्डरिंग। देखिए मैं अच्छे से यहाँ पे सोल्डरिंग कर लिया और फिर दोस्तों यहाँ का जो पिन से मतलब इस साइड पे इस साइड का जो पिन होता है इस साइड में दोस्तों वो जो मेमोरी कार्ड आता है उसका कनेक्टर यहाँ पे लगता है, मतलब इसको अभी मैं यहाँ पे ऐसे करके प्रेस करूंगा तो दोस्तों वो अपने आप सोल्डरिंग हो जाएगा। और एक बार दोस्तों थोड़ा सा सोल्डर लेके आयरन की मदद से दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से सोल्डरिंग करूंगा ताकि अगर इसमें कोई गड़बड़ी रह गए तो वो ठीक हो जाए। ठीक है,
और फिर दोस्तों देखिए मैं अच्छे से कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा बहुत शोल्डर ज़्यादा चला गया है, इसलिए दोस्तों दिक्कत हो रहा है। तो इसको अभी दोस्तों निकालना होगा क्योंकि इतना इसके इसमें ज़रूरत नहीं है। देखिए ये अच्छे से सोल्डरिंग हो चुका है। और फिर दोस्तों यहाँ पे साइड में जो बेस का कनेक्टर है उसको मैं थोड़ा बहुत इसमें सोल्डरिंग कर लूँगा क्योंकि इसमें ग्रिप मिल जाता है इसको। देखिए अच्छे से सोल्डरिंग हो चुका है। और फिर दोस्तों इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि इसमें खराबी नहीं आता है। तो इसको एक बार और एक बार साफ कर लीजिए ऐसे करके। और फिर दोस्तों इसका जो कैप है मतलब कवर है इसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, बहुत आसानी से इसको डाल दीजिए ऐसे करके, और थोड़ा बहुत इसको पोंछ लीजिएगा। और फिर दोस्तों इसका जो एंटीना का कवर है इसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, देख के स्पिन को देख के डाल दीजिएगा। और फिर दोस्तों जहाँ पे जो था उसको ऐसे ही लगा दीजिए। देखिए ये जो कनेक्टर है वो यहाँ से जाता है आउटपुट की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। देखिए अभी लगा दिया मैं इसको। अभी दोस्तों इसका जो कवर था इसको मैं अभी यहाँ पे डालूंगा और इसी हाथ से इसको प्रेस करूंगा, ठीक है। और अच्छे से प्रेस हो गया है। और फिर दोस्तों जो तीन स्क्रू यहाँ पे निकाले थे मैं उसको एक एक करके लगाऊंगा, ठीक है। और फिर दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे एक स्क्रू डाल दिया, अभी दो स्क्रू बाकी है। देखिए मैं दो स्क्रू को अभी डाल रहा हूँ। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये है खराब, जो खराब था वो वाला है ये, ठीक है। तो ये मेरा जो काम था वो सही कर दिया मैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मेरे को नहीं मालूम, पर ये वीडियो आपको 5 से 6-7 बार आपको मिलेंगे क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेज में ये वीडियो मैं बनाऊंगा और उसका काम अभी चल रहा है। तो गाइस इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ये हिंदी वर्जन आपने देख लिया तो दूसरा लैंग्वेज का जैसे कि अरबिक, चाइनीज और बहुत सारा होंगे फ्रेंच वगैरह, तो उसका टाइटल देख के आप देखिए मत, ठीक है। अगर हिंदी देख लिया तो दूसरा लैंग्वेज का वीडियो मत देखिए और डिसलाइक भी मत कीजिए क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और जो लोग डिसलाइक करते हैं वो लोग तो मेरे को दान नहीं करते कुछ, और जो दान करते हैं मेरे को डोनेशन देते हैं उन लोगों ने रिक्वेस्ट किए बहुत बार, तो तब जाके मैं बना रहा हूँ अभी उन लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो, फ्रेंच, चाइनीज, अरबिक, ये सब वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो गाइस इस वीडियो को आप हिंदी में देख रहे हैं, सबसे पहले मैं हिंदी में ही डालूंगा, रॉ फाइल जो होंगे वो मैं हिंदी में ही डालूंगा और उसके बाद हो सके जितना भी लैंग्वेज मैं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ 5 से 6-7 लैंग्वेज जानता हूँ लेकिन उसको ग्रामेटिकल कुछ करेक्शन करके ही वीडियो बनाना पड़ता है, तो कुछ कुछ नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट आप लोगों की दुआ और प्यार और मोहब्बत की वजह से मैं कर पा रहा हूँ अभी। तो गाइज अब हिंदी वीडियो को देखने के बाद बुरा मत मानिए, हिंदी वीडियो देख लीजिए और उसके बाद जब वीडियो मिलेंगे दूसरा उसी टाइटल का, सेम टाइटल का, सेम टैग्स का, तो अब उससे मत देखिए क्योंकि वो सेम वीडियो आपको मिलेंगे 5 से 6 बार मिनिमम, ठीक है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।